हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम ऐसे एक शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं जो कि एक डेट फ्री शेयर है। ओके, तीन बार बोनस दे चुका है, एक बार स्प्लिट भी हो चुका है वो शेयर, और हर साल डिविडेंड तो देने की परंपरा उसे वो निभाता रहता है। तो ऐसे ही शेयर से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, उसी का फंडामेंटल्स जानेंगे। तो आइए शेयर्स की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपको इस तरीके की वीडियो मैं बनाता रहूँ। तो आइए शेयर की तरफ चलते हैं। बट इससे पहले आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कुछ फैक्ट्स। तो देखिए, हर पैमाने पर इस कंपनी ने आपको पॉजिटिव रिटर्न दिए। ओके, अब देखिए, मार्केट का कुछ पता नहीं है। मार्केट जैसे कि आप देखते हैं, डो जोन्स गिरता जा रहा है, ओके, एज वेल एज यूरोपियन मार्केट गिरता जा रहा है। कोरोना की एक खबर आ रही है, तो उसके रिगार्डिंग तो मार्केट में बहुत ज़्यादा आपको सस्पेंस दिखेगा। तो अब क्या है कि आपको एक ऐसे स्टॉक्स में रहना है जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग हो, जिनकी हिस्ट्री भी अच्छी हो। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही ये शेयर बता रहा हूँ। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, वन डे में आपको 5% का प्रॉफिट, 1 वीक में प्रॉफिट, 1 मंथ में प्रॉफिट, 3 मंथ्स में प्रॉफिट, ओके, 6 मंथ में प्रॉफिट, 1 ईयर में प्रॉफिट, 2 ईयर में प्रॉफिट, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो लगभग 1,001.152% के, मतलब 1000% के रिटर्न इस कंपनी ने आपको कमा के दिया है। तो अच्छी कंपनी में, आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए रुकेंगे, ओके, तो आपको इस तरीके के जो ये मल्टी वैगर रिटर्न्स है, जो लोग 5-10% की बात, 15% की बात नहीं कर रहा हूँ, 1000% की बात कर रहा हूँ, 1000% के रिटर्न, ओके, ऐसी ही कंपनी आपको दे सकती है जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग हो। और जो ये कंपनी है जिसमें काम करती है, मार्केट में आप कह सकते हैं कि एक तरीके की मोनोपोली भी, इसके बिजनेस की मोनोपोली है। तो आइए उससे रिलेटेड और भी बातें कर लेते हैं। ये तो हो गया आपको रिटर्न्स, एज वेल एज अगर मैं आपको बताऊँ कि प्रमोटर्स की होल्डिंग, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए 70.19% की हिस्सेदारी है। अगर बताऊँ मार्च में, तो मार्च में कुछ हिस्सेदारी यहाँ पर खरीदी थी, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी में इंक्रीमेंट भी करी है। फॉरेन इन्वेस्टर ने थोड़ी सी हिस्सेदारी 0.27% की हिस्सेदारी कम करी है, बट फिर भी 10.90% की हिस्सेदारी फॉरेन इन्वेस्टर्स की यहाँ पर है। म्यूचुअल फंड में देखिए, अपने यहाँ पर 0.47% की हिस्सेदारी बढ़ा के 4.33 कर ली है। इंश्योरेंस कंपनी 0.17% की हिस्सेदारी बढ़ा के 3.90। अदर DIIs ने थोड़ी सी हिस्सेदारी कम करी है, नॉन इंस्टीट्यूशंस ने थोड़ी सी हिस्सेदारी कम करी है। बट अगर आप फिलहाल देखेंगे तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी काफ़ी अच्छी हिस्सेदारी यहाँ पर नज़र आ रही है। एक बार बैलेंस शीट की तरफ रुख करना चाहूँगा। तो देखिए, रिजर्व्स देखिए, पहले रिजर्व्स कंटिन्यूसली पिछले 5 साल में कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। 26,000 करोड़ कह देंगे, इसके बाद 43-48 करोड़, फिर 35-13-4126, और अभी लगभग 44-03.12 करोड़ रुपीज़ के रिजर्व्स इस कंपनी के पास है। और जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि डेट फ्री कंपनी है, किसी भी तरीके का कर्ज नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर लॉन्ग टर्म में किसी भी तरीके का कर्ज नहीं है, ओके, और शॉर्ट टर्म भी देखिए, तो शॉर्ट टर्म भी किसी भी तरीके का कर्ज नहीं है। तो कंपनी के बैलेंस शीट आपको इस चीज़ से ही पता चल जाती है कि बैलेंस शीट में कितना धन है। अगर हम इसके इन्वेस्टमेंट की बात करिए, तो कंपनी के लगभग 715.18 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर करंट इन्वेस्टमेंट है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें, तो देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। पहले लगभग 72.25 करोड़, फिर 50.47, 77.76 और 7.18 करोड़, और अभी अगर देखेंगे आप तो लगभग 568.84 करोड़ रुपीज़ के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो कंपनी देखिए कितनी मजबूत है, कितना इसमें कंपनी में आपको नज़र आ रहा है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है, ओके। बेशक इस कंपनी ने आपको पिछले, जैसे कि दूसरी कंपनीज ने 200% के, 600% के रिटर्न्स दिए, बट अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए, वो कंपनी केवल एक था कि कोरोना से रिलेटेड अगर उन्हें फ़ायदा हुआ तो इसलिए वो बढ़ गई, इसलिए इस तरीके के रिटर्न दिए। बट ये कंपनी हमेशा के लिए चलने वाली है, आगे चल के आपको और मल्टीबैगर रिटर्न देने की क्षमता बिल्कुल रखती है। तो ये तो हो गया कंपनी का बैलेंस शीट। अगर डिविडेंड की बात करें, तो देखिए डिविडेंड 700%, 650, 600, 475, तो हर साल कंपनी आपको डिविडेंड देती हुई नज़र आई। और डिविडेंड ऐसा भी नहीं कि डिविडेंड घट रहा हो, डिविडेंड हमेशा देखिए यहाँ पर परसेंटेज बढ़ता हुआ नज़र आएगा आपको। बोनस जैसे कि मैंने आपको कहा, तीन बार बोनस दे चुकी है कंपनी, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप।
1996 में ओके वन रेशो वन, 2000 में वन रेशो वन, 2010 में आपको वन रेशो वन का यहाँ पर बोनस कंपनी ने दिया। स्प्लिट भी देखिए, 10 का स्प्लिट 2005 में ही कंपनी ने दिया है, राइट इशू आई थिंक कंपनी कभी लाई नहीं है। तो ये तो हो गए वो। अब अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी मार्च में स्लाइटली बढ़ाई है, 69.92 से 70.19% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स ने यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाती हुई नज़र आ रही है। तो ये तो हो गया कंपनी। अब कंपनी कौन सी है उससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं। तो कंपनी का एक बार चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। आज के दिन ही देखिए 5% की जंप, लगभग 76.4 रुपीज़ का यहाँ पर जंप आपको साफ नज़र आ रहा है। 5 डेज का चार्ट पैटर्न पॉजिटिव, 1 मंथ का चार्ट पैटर्न पॉजिटिव, 6 मंथ का चार्ट पैटर्न पॉजिटिव। ईयर टिल डेट का चार्ट पैटर्न देखिए, लगभग 1700 पेंडामिक से पहले 1700 के आसपास ही कंपनी चल रही थी, गिरने के बाद 1215 रुपये की कंपनी रह गई, मतलब 1215 रुपये का इनका एक शेयर रह गया कंपनी ने। और अगर 1 ईयर की बात करें तो देखिए तब भी पॉजिटिव, 5 ईयर्स में देखिए क्या, 5 ईयर्स पहले केवल 500 रुपये का शेयर लगभग मिलता था, 1500-1600 रुपये का। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए, लगभग 10-6 रुपये का ये शेयर था, जो बढ़ते बढ़ते हर साल बढ़ाए और कंटिन्यूसली बढ़ाए। और देखिए हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही इसका रुझान है, हमेशा ऊपर 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 ऊपर। तो ऐसे ही कंपनी में रहना है जिनका फंडामेंटल स्ट्रांग हो, जिनका चार्ट पैटर्न बेहतरीन हो, जो नीचे से कंपनी हमेशा ऊपर की तरफ ही गई है। ऐसा नहीं कि नीचे से ऊपर गई फिर नीचे गई ओके फिर डूब गई, इस तरीके से नीचे से ऊपर जाती हुई कंपनी। तो ऐसा कंपनी का नाम क्या है तो दिखा देता हूँ मैं आपको। कंपनी का नाम है पिडिलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड। पिडिलाइट का आपने नाम जरूर सुना होगा, इसके प्रोडक्ट आप हर एक घर में यूज़ भी किए होंगे। तो आइए कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में दिखा देता हूँ। तो पहले तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, देखिए किस तरीके से ये शेयर प्राइस आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है ओके। तो कंटिन्यूसली हर साल शेयर प्राइस इसका बढ़ा है, और शेयर प्राइस प्लस में डिविडेंड बोनस सब चीज़ तो ये कंपनी दे रही है, डेट फ्री कंपनी है। ब्रांड्स की बात कर लेते हैं तो देख लीजिए, फेविकॉल, फेविकॉल आपने डेफिनेटली यूज़ किया होगा ओके, फेविकॉल का जोड़ फेविकॉल MR, डॉक्टर फिक्सिट आपने यूज़ किया होगा, फेविक्विक आपने यूज़ किया होगा, MCL यूज़ की होगी ओके। तो ये सारा का सारा प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है, मतलब जो एक गोंद से रिलेटेड ये काम कंपनी करती है। तो जैसे कि इंडस्ट्रीज़ ही बंद है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम ही रुका पड़ा है, तो इस वजह से ये कंपनी तब तक अभी इतना आपको जोर शोर से दिखाती बढ़ती हुई नज़र नहीं आई। बट अब ये कंपनी जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, जैसे ही लोग अपने घर में पेंटिंग एंड ऑल सब कुछ पेंट वगैरह कराएंगे, तो डेफिनेटली है कि इसका भी फेविकॉल्स वगैरह सबका यूज़ होना ही है। तो इसमें ये कंपनी ब्रांडेड है ओके, एंड एज वेल एज बताना चाहता हूँ इस कंपनी की मार्केट मोनोपोली भी आप एक तरीके से कह सकते हैं। इसके अलावा इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो देखिए 52 वीक लो की अगर बात की जाए तो 25 मार्च को 1185 रुपये का शेयर मिल रहा था, हाई की बात की जाए तो 11 मार्च को ही था 1700 के आसपास। आज के दिन लगभग 14% की हिस्सेदारी यहाँ पर डिलीवरीज खरीदी गई है। और कंपनी इंफॉर्मेशन में अगर हम जाए तो यहाँ पर देखिए डिविडेंड तो कंपनी देती आई है, यहाँ पर देखिए किसी भी तरीके का 70% के जो इनके पास शेयर्स है तो उसमें से कोई भी इन्होंने कर्ज में नहीं रखा है, कोई भी इन्होंने प्लेज नहीं कर रखा है। तो ये सबसे अच्छी बात कंपनी की, मतलब कंपनी हर पैरामीटर पे खरी उतर रही है ओके। प्रोडक्ट्स इसके आपने देख लिया, अब आ जाते हैं कुछ न्यूज़ से रिलेटेड। तो जैसे कि आज ही कंपनी ने अनाउंस किया है लगभग क्या कि उन्होंने 2100 करोड़ मतलब 2100 करोड़ रुपए में इन्होंने अपनी एक कंपनी को एक्वायर किया है। क्या नाम है? हंट्समैन नाम की एक कंपनी है ओके, उसे उन्होंने एक्वायर किया है पिडिलाइट ने, तो कंपनी को भी एक्वायर कर रही है, तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि कल के दिन ही ICICI ने इसका एक टारगेट बताया था 1549, जो कि आज अचीव हो गया है 1595 ओके। और ये कल के दिन बताया था तो शायद आज इसका प्राइस और रिवाइज कर दे, और मैक्सिमम इसका 52 वीक हाई हमने जैसे देखा 1709, तो 1709 ये इजीली अचीव आपको आने वाले टाइम में करती हुई दिखाई देगी। और जिस तरीके से सब कुछ ओपन होगा धीरे धीरे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, तो ये कंपनी आपको और कि इस तरीके जैसे चार्ट पैटर्न है आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो ये सारे का सारा इसका फंडामेंटल्स थे। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ओके, इसका चार्ट पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है। रिटर्न्स की बात करें 1000% के रिटर्न 10 ईयर्स में दिए हैं, तो इस कंपनी पे नज़र बना के रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म
के लिए अगर आप इस कंपनी को चूज़ करते हैं और नीचे गिरती हुई नज़र आती है तो इसकी ख़रीद लीजिए, डेफिनेटली आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आने वाले सालों में होता हुआ नज़र आएगा। सो दैट्स इट दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, एज वेल एज अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार सलाह ले लीजिएगा बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी। ओके, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि इस तरीके की वीडियो, इस तरीके के शेयर्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग आपके सामने हम लाते रहे और आप पैसा बनाते रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।